तीज के हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं तीज का रात का जागरण। Oh,
I'm
तीज के धूमधाम की तैयारी में लोग तीन दिन चार दिन पहले से लग जाते हैं। सभी लेडीज सुहागिन जो है हाथों में मेहंदी लगाती हैं। 24 घंटा का फास्टिंग होता है, कुछ नहीं खाना होता है, पानी भी नहीं पीना होता है। बहुत मुश्किल है व्रत, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ होता है और इस समय व्रत करना बहुत कठिन है, लेकिन शिव जी के लिए पार्वती जी किए थे, इसीलिए सभी सुहागिन करती हैं कि सबका सुहाग अमर हो जाए, बना रहे। तो यहाँ बेलपत्र के नीचे गणेश जी, मिट्टी का, पार्वती जी, शिव जी हम बनाए हैं। हम वहाँ पूजा किए, यहाँ मंडप में भी पूजा कर रहे हैं। लोग थाली में भी मिट्टी का गणेश जी, लक्ष्मी जी बनाते हैं और सभी श्रृंगार का सामान चढ़ता है, सभी तरह का मिठाई चढ़ता है, सभी तरह का सीजन का सभी फल, जिनके पास जितना श्रद्धा यथाशक्ति भक्ति वही है, जिनके पास श्रद्धा की तो श्रद्धा से, बहुत श्रद्धा से उनको पूजा करना चाहिए। जो भी आप चढ़ा रहे हैं, अच्छत फूल भी आपके पास कुछ नहीं रहे तो कुछ अच्छत फूल भी आप चढ़ा रहे हैं तो बहुत श्रद्धा से चढ़ाना चाहिए। जल भी कुछ नहीं है तो जल भी चढ़ाते हैं तो बहुत श्रद्धा भावना से महादेव को चढ़ाइए, ध्यान रखते हुए कि हम कैलाश पे 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा कर रहे हैं। जहाँ भी महादेव की पूजा कर रहे हैं, बेलपत्र के पौधा के नीचे सोचते हुए यदि पूजा करते हैं कि हम 12 ज्योतिर्लिंग में महादेव की पूजा करते हैं तो यह पूरा पुण्य आपको मिलता है। क्योंकि रामायण में भगवान लिखे हुए हैं कि कलयुग में मनसा पुण्य मिलता है। आप श्रद्धा से सोचते रहेंगे कि भगवान के हम कैलाश पर हर दिन पूजा कर रहे हैं, 24 घंटा हम महादेव को जल चढ़ा रहे हैं बैजनाथ धाम में, तो सब फल आपको मिलते रहता है। इसीलिए मन में हमेशा श्रद्धा भावना रखिए कि भगवान की करोड़ों तरह के उपचार से हम पूजा कर रहे हैं, 24 घंटा ही उनका ध्यान में रहिए। पूजा करते कहीं भी कर से काम कीजिए, मन रखूं जहां कृपा निधाना। कर से मतलब हाथ से आप काम, हर काम कीजिए, बहुत ज़्यादा काम करते रहिए, लेकिन मन हमेशा रखिए जहां भगवान रहते हैं, उनके साथ उनसे जोड़ के रखिए। हर समय नमः शिवाय बोलते रहिए और हर समय उनको ये सोचते रहिए कि मैं हर समय उनको पूजा कर रही हूँ, तो सब फल आपके खाता में जुड़ जाता है। इस तरह पूरा रात जागरण करते हुए विसर्जन किया जाता है महादेव का, पार्वती जी, गणेश जी। Thank you.
आपने देखा कि सभी सहेलियां पूरे रात नाच गान डांस बजाना बहुत बहुत सुंदर की हैं। तो इसी तरह से पार्वती जी महादेव के लिए कैलाश पर पूरे रात जागरण की, अपने सहेलियों के साथ डांस की, ढोलक नगाड़ा डांस बजाना, पूरे रात महादेव को प्रसन्न करने के लिए वो गीत गाते रहे, सुंदर सुंदर मंगलाचार करते रहे। तो यहाँ भी सभी सहेलियाँ पूरे रात जग करके जागरण की, जो कि आपने देखा ढोल नगाड़ा और सभी सहेलियाँ डांस गान करते हुए यहाँ महादेव का पूजा किए। सब अपना सुहाग मांगते हुए अब महादेव को विसर्जन करना है सुबह।